हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विनीताज किचन एंड टेस्टी फूड फॉर यू। तो आज मैं यहाँ पे लेके आई हूँ आपके लिए चने की दाल की पूड़ी। तो सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि चने की दाल की पूड़ी कौन बनाए, इसमें तो बहुत मेहनत है। लेकिन मैं आपको ऐसी छोटी छोटी बातें बताऊंगी जिनसे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और पीसने का भी कोई झंझट नहीं है। फटाफट बनाइए और खाइए चने की दाल की पूड़ी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, हमने सबसे पहले ले ली है चने की दाल, जिसे मैंने रात भर के लिए अच्छे से भिगो दिया है। और ये मेरी जो कटोरी है, नॉर्मल कटोरी होती है घरों में जिससे हम खाना खाते हैं, वो दो कटोरी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ले लिया है कुकर और हम कुकर में डाल रहे हैं थोड़ा सा तेल। तो ये देखिए, हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा जीरा, आधा चम्मच सौंफ और 5-6 कलियां लहसुन और 3 हमारे हरे मिर्च हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा लहसुन और मिर्चा हो गया है। और अब हम इसमें डालेंगे दाल। अब हम डालेंगे इसमें नमक, मैं 1 चम्मच ले रही हूँ, अपने स्वाद के अनुसार ही लेंगे। और थोड़ी सी हींग और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला। अब ये देखिए फ्रेंड्स, हम सारे सामान को अच्छे से चला लेंगे और हम इसमें ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी दाल अच्छे से चला ली है। और हम डालेंगे इसमें अब 1/2 कप पानी, और हमें इसमें 1/2 कप ही पानी डालना है क्योंकि हमारी दाल में भी थोड़ा पानी था। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमें सिर्फ इतना ही पानी इसमें रखना है, बस दाल के हल्का सा ऊपर आ जाए। चलिए अब हम कुकर को बंद करेंगे और 5-6 सीटियां लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी दाल में 5-6 सीटियां आ चुकी हैं और दाल आप देख सकते हैं कितनी मुलायम है एकदम। ये देखिए, बहुत ज़्यादा मुलायम है कि इसमें एक जरा सा भी किनकी नहीं है, एकदम मैश हो रही है अच्छे से। और अब हम इसको अपनी चिमटी से फोड़ लेंगे। अच्छे से फूट जाएगी क्योंकि ये अच्छे से गल चुकी है। और आप 5-6 सीटी लगाएं इसमें, और अगर आपकी दाल में जरा सा पानी बच रहा है कोई बात नहीं, ये रख थोड़ी देर आप रख दें, मतलब ऐसे मिला के रख देंगे तो पानी अपने आप गायब हो जाएगा, मतलब ये दाल सोख लेती है पानी। और हम इसे अच्छे से दबाते हुए चिमची को ऐसे ऐसे अपनी दाल को फोड़ लेंगे अच्छे से। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि पानी आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। ये देखिए, हमारी दाल अच्छे से फूट गई है। और अभी मैं इसे दूसरे बर्तन में निकालूंगी, तब हाथ से फोड़ूंगी। और आपको पीसने का कोई झंझट नहीं है, आपको बिना पीसे ही बनाना है इसे, बहुत अच्छी बनती है, बस कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। तो ये देखिए, बिना झंझट के आज हम बनाएंगे चने की दाल की पूड़ी। तो अब हम इसे निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे एक थाली में पलट लिया है और एक कटोरी की मदद से हम इसे ऐसे ऐसे जो हमारे दाल के दाने रह गए हैं उनको हम अच्छे से फोड़ लेंगे। गर्म है इस वजह से आप हाथ से नहीं कर पाएंगे। और ठंडा, अगर आप सोचेंगे ठंडा करके करें, तो ये ठंडा करके बिल्कुल भी दाल नहीं मैश होगी, तो आप इसे गर्म ही गर्म मैश करिए। और अब हमें इसमें कुछ भी नहीं मिलाना है क्योंकि सब कुछ मैंने दाल को छौंकते समय ही डाल दिया था, तो पीसने का कोई झंझट नहीं है और टाइम भी नहीं लगता है इसको बनाने में।
तो ये देखिए अच्छे से हमारी दाल मैश हो गई है। और चलिए अब हम अपना आटा लगा लेते हैं। तो आटा हमें बस वैसे ही लगाना है जैसे नॉर्मल हम रोटी का लगाते हैं। और एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपकी दाल चूल्हे में मुलायम है तो आपको आटा मुलायम लगाना है, और अगर हल्की सी भी दाल आपको लगे कड़ी है तो आप कड़ा आटा लगाएंगे तो आपकी कभी भी पूड़ी फटेंगी नहीं। तो ये देखिए आपको कहीं से भी नहीं लग रहा है कि आपकी दाल नहीं पिसी है। तो चलिए हम अपना आटा लगा लेते। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा आटा लग गया है और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा आटा अच्छे से हो गया है, 5 मिनट के लिए मैंने इसे रखा था। और अब हम इसकी लोइयां बनाएंगे। और हाँ, मैंने आटे में कुछ भी नहीं डाला है, आप चाहें तो हल्का सा तेल या रिफाइंड डाल सकते हैं। तो चलिए हम लोई बनाते हैं इसकी। ये देखिए फ्रेंड्स हमने वैसी लोई बनाई है जैसी हम रोटी के लिए बनाते हैं। और अब हम इसमें अपनी दाल भरेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमें अपनी दाल कैसे बननी है। तो ये देखिए हमारी लोई भर के तैयार है और हमें इसे बहुत हल्के हाथों से बेलना है, नहीं तो ये फट जाएगी। ये देखिए घुमा घुमा के बेलेंगे हम इसे। हमारी पूरी बन के तैयार है, कहीं से भी नहीं फटी है। तो चलिए अब हम इसे तलेंगे। तो मैंने यहाँ पे पहले से तेल चढ़ा के रख लिया था और तेल गर्म भी हो गया है, अब हम इसे तलेंगे। ये देखिए हमारी दूसरी पूरी है, इसे भी हम धीरे धीरे बेल लेंगे। ये देखिए और हम इसे भी डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी पूरी ये हो गई है और हमें इसे ऐसे ही रखना है गोल्डन ब्राउन बस। और दोनों तरफ से अच्छे से सेक के हम इसे निकाल लेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी पूरियां बनके तैयार हैं। और छोटी छोटी जो ट्रिक्स हैं आप भी याद करके ध्यान रख के चने की पूड़ी आसानी से बना सकते हैं। देखिए एक भी चूड़ी पूड़ी नहीं फटी है हमारी यहाँ पे और सब एकदम अच्छी बनी हुई है। तो अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। ओके, थैंक यू।